Most dangerous government of the country for the woman. तो ये तो सिद्ध हो गया है, कानून व्यवस्था का चीज़ है ही नहीं है. देर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर एज सच इन दी एंटायर स्टेट. थाना में बलात्कार होता है, स्कूल में बलात्कार होता है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री के जिले में मर्डर करके जला देते हैं. तो इतना बुरी चीज़ तो हो ही नहीं सकता है. तो जिस मंत्री ने सत्य बात किया कि महिला असुरक्षित है, वो मंत्री भी असुरक्षित हो गया इस सरकार में. ऐसी स्थिति बन गई. उसके बारे में लोगों के बीच में क्या क्या लेके जाना है, कैसे लोगों के बीच में आंदोलन और भी आगे तेज करना है, ये भी हमने चर्चा की है. और कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे, क्योंकि मेरा प्रोग्राम लोकसभा हमारा सेशन चल रहा है, लेट निर्णय हुआ, इसीलिए कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे. हम सब लोग, हमारा अध्यक्ष सीपी जोशी जी और अपोजिशन लीडर मेघवाल जी और वसुंधरा जी शेखावत, ये सब लोग हम डिटेल में बैठ के वर्कआउट किया है. कांग्रेस जो है वो सितंबर में प्रत्याशी घोषणा करने की बात कर रही है, क्या लगता है बीजेपी पीछे रह गई है इन तमाम चीज़ों में, क्योंकि उन्होंने